हाँ बच्चों, मैं ये जो बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। इसमें जो है दिनकर, नविता और वानी पार्टनर हैं, जिसमें थ्री इनका रेशियो 3:1 है। और इसमें एक है नविता की डेथ हो गई 30 जून 2017 को। उसका प्रॉफिट जो है वो सेल के बेसिस पे निकलेगा। जो प्रॉफिट था वो था लास्ट ईयर सेल का, प्रॉफिट का जो परसेंटेज था सेल के बेसिस पे वो 10% था। तो 6 लाख का 10% हो गया 60,000, यानी इस साल भी अगर हम यही माने तो इस साल जो सेल हुई अब तक वो 6 लाख हुई है। 6 लाख का 10% हो गया 60,000। लेकिन ये तो पूरे फॉर्म का प्रॉफिट हो 3 महीने का, अकेले सोनाली का प्रॉफिट उतना होगा, सॉरी नविता का। तो 60,000 का 2/6 दैट इज 20,000। ठीक है बच्चों, आपसे इन्होंने प्रॉफिट पूछा था, उन्होंने प्रॉफिट निकाल लिया। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा गया था, तो आंसर इतना आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, 20,000 प्रॉफिट नविता। 8 की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कुमार वर्मा और नरेश पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:3:2:2 के रेशियो में। 23 जनवरी को वर्मा की डेथ हो गई। वर्मा का प्रॉफिट जो है वो उन्होंने खुद ही निकाल के दे रखा है 2350 रुपये, सिर्फ एंट्री मांगी है। तो इसमें कुछ खास करना नहीं है, बस एंट्री पास करनी है। जो एंट्री हो जाएगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वर्माज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, आसानी से हो जाएगा ये 2350। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ ऐसा कह रखा है, एबीसी पार्टनर है 3:1 के रेशियो में। बी की डेथ हुई है 30 जून को। एबीसी पार्टनर है 3:1 के रेशियो में, यानी 3/6, 2/6 और 1/6। और इन्होंने कहा है कि जो बी की डेथ है 30 जून 2020 को हो गई है और जो प्रॉफिट है वो हम पिछले साल का जो प्रॉफिट है 2020 का उसके बेसिस पे ही निकाल लेंगे इस साल का प्रॉफिट उसका। अब लास्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 14,000, जिसमें 2,000 बैड डेट्स के एडजस्ट करने हैं। तो अगर 14,000 लास्ट ईयर प्रॉफिट था, बैड डेट्स के 2,000 एडजस्ट करने हैं, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट रह जाएगा केवल 12,000। ठीक है, डेथ हुई है इसमें हमारे बी की, तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 12,000 इंटू 2/6। याद रखिएगा जब भी प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे निकाला जाता है तो इसमें ये देखना ज़रूरी होता है कि रिटायरिंग पार्टनर ने इस साल कितना काम किया, कितने महीने काम किया। तो वो 30 जून 2020 को उसकी डेथ हो रही है तो उसने 3 महीने काम किया होगा, तो उसके हिस्से का प्रॉफिट भी निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, तो 12,000 इंटू 2/6 इंटू 3/12 कर दीजिए तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 1,000 रुपये। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने इसमें शायद एंट्री भी मांगी है, तो इसकी एंट्री आप बड़े आराम से कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने तो सिर्फ प्रॉफिट ही मांगा है, एंट्री नहीं मांगी है, लेकिन एंट्री बना दे तो यही एंट्री बन जाती है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राम मनु और हरी और पार्टनर है इन द फर्म और एक हरी की डेथ हुई है इस बार भी 30 जून 2020 को। प्रॉफिट निकाला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पिछले 3 साल, जो कि 1,10,000, 1,20,000 और 1,30,000 दे रखे हैं। जिनका एवरेज निकालोगे तो 1,20,000 ही आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा, यार रखना हरी की डेथ 30 जून को हुई है, तो यहाँ जब भी एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे किसी का प्रॉफिट दिया जाता है तो ये देखना ज़रूरी होता है कि इसने इस साल कितने महीने काम किया। ठीक है बच्चों, तो इसने इस साल जो है 3 महीने काम किया है, बिकॉज 30 जून 2020 को उसकी डेथ हो रही है। तो हरी का प्रॉफिट निकल आएगा 1,20,000 इंटू इसका हिस्सा जो 1/3 ले लेंगे, बिकॉज रेशियो उनका देने का पार्टनर का तो इक्वल मान लेंगे, और इंटू 3/12 कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 1,20,000 का 1/3 होता है 40,000, 40,000 का 1/4 होता है 10,000, तो उसका प्रॉफिट आ गया हरी का 10,000। एंट्री बन जाएगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा जब तक हम ये मानते हैं कि पार्टनर पुराने रेशियो में गेन कर रहे हैं तो हम P&L सस्पेंस के थ्रू करेंगे एंट्री। अगर पार्टनर का गेनिंग रेशियो उनके ओल्ड रेशियो से अलग होगा तब हम एंट्री जो है बिल्कुल उस वैसे ही करेंगे जैसे गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करते थे रिटायरमेंट में, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर कह सकते हो आप।
तो बच्चों इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में ये कह रखा है बच्चों कि एक्स वाई जेड पार्टनर है इन द रेशियो 3:1। एक्स वाई जेड जो है वो पार्टनर है इन द रेशियो 3:1। वाई की डेथ हुई है 30 जून 2020 को ही। प्रॉफिट जो है आपको 1 अप्रैल से 30 जून तक का ही 360,000 दे रखा है। जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक का दे रखा है आपको। ठीक है बच्चों, 360,000, तो ये ऑलरेडी इन 3 महीने का ही प्रॉफिट है। फिर इसमें कहा गया आपसे वाई की डेथ 30 जून जो हुई थी, वाई का हिस्सा है 2/6, तो 360,000 का 2/6 निकाल लीजिए, वो आ जाता है 1,20,000। इस क्वेश्चन में आपको एक्स और जेड का नया रेशियो दे रखा है बच्चों 3:2। तो जब भी पार्टनर का नया रेशियो दे रखा हो तो प्रॉफिट की एंट्री बिल्कुल गुडविल जैसी एंट्री होती है। आपको पहले उनका गेन निकालना पड़ेगा एक्स और जेड का। एक्स का पुराना शेयर 3/5 है, नया शेयर 3/5 है, पुराना शेयर 3/6 था। जेड का नया शेयर 2/5 है, पुराना शेयर 1/6 था। तो 18 - 15 दैट इज 3/30, ये हो जाएगा एक्स का गेन। 12 - 5 यानी 7/30, ये हो जाएगा आपका जेड का गेन। तो गेनिंग रेशियो आ गया 3:7 एक्स और जेड का। अब एंट्री पास करी जाएगी, 1,20,000 उसका प्रॉफिट है, तो वाई तो क्रेडिट हो जाएगा, एक्स और जेड डेबिट हो जाएंगे, जस्ट लाइक गुडविल की एंट्री। ठीक है बच्चों, बिल्कुल गुडविल की एंट्री की तरह की जाएगी इस प्रॉफिट की एंट्री। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और वाई क्रेडिट हो जाएगा 1,20,000 से। वाई का जो 1,20,000 है उसको 3:7 में बांट दीजिए तो 36,000 और 84,000 आ जाएगा। 36,000 एक्स देगा और 84,000 वाई देगा, जेड देगा। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं इस सॉल्यूशन को अच्छी तरह से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया अच्छे से। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन था बच्चों ये। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इसमें कहा है कि राधा, टीना और रीटा जो हैं वो पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं। राधा, टीना और रीटा, RTR, राधा, टीना और रीटा इक्वल रेशियो के पार्टनर हैं, यानी तीनों का पुराना शेयर 1:1:1 है। अब उन्होंने कहा है कि रीटा की डेथ हुई है 31 जुलाई को, यानी इस साल उसने 4 महीने काम किया होगा, और आपका जो प्रॉफिट और लॉस निकालना है वो लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे निकालना है जो कि 4,500,000 था। आपसे एंट्री मांगी है और प्रॉफिट निकालने को कहा है। तो 4,500,000 तो पिछले साल का प्रॉफिट था। डेथ हुई है हमारे इस केस में किसकी भला, रीटा की। तो रीटा का हिस्सा 1/3 है, इंटू रीटा ने इस साल कितने महीने काम किया, 4 महीने, तो ये निकल के आ जाएगा बच्चों 50,000। ठीक है, और एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रीटाज कैपिटल अकाउंट। इसमें P&L सस्पेंस ही क्यों करा, क्योंकि पार्टनर पुराने रेशो में गेन कर रहे हैं, पार्टनर कोई और रेशो दे नहीं रखा, दैट्स वाई 50,000। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं बच्चों। बस वह 12 का आंसर आपका दिखाई देख लेते हैं। तो 12 का आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, 50,000 को P&L सस्पेंस से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं बच्चों। मनोज राकेश और हर्ष पार्टनर हैं इन द रेशियो 2:1 यानी कि 2/5 और 1/5। फिर उन्होंने कहा आपसे कि मनोज की डेथ हुई है 30 जून को, राकेश और हर्ष ने कहा कि वो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, प्रॉफिट और लॉस निकाला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, लेकिन लास्ट ईयर हो गया लॉस 2,00,000 का। ठीक है बच्चों, डेथ किसकी हुई थी इस क्वेश्चन में, डेथ हुई थी आपको इस क्वेश्चन में मनोज की हुई थी। तो मनोज का हिस्सा 2/5 है, 2,00,000 पूरे फर्म का लॉस था, उसका हिस्सा 2/5 है और इसने इस साल 4 महीने काम किया है। यहाँ भी उसने 31 जुलाई को उसको डेथ हो रही है, 30 जून को हो रही है, सॉरी 3/12 करिएगा बच्चों।
तो 2 लाख का 2/5 निकालोगे तो आएगा 80,000, 80,000 का 3/20 करोगे तो आएगा 20, 3/12 करोगे तो 20,000 आ जाएगा बच्चों। इस बार एंट्री होगी मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं लॉस था, ठीक है। और पार्टनर पुराने रेशियो में गेन कर रहे हैं, इसलिए एंट्री में पीएनएल सस्पेंस का यूज़ किया गया, 20,000 20,000। तो बच्चों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कम्प्लीट हो गया। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह से है, एक्स वाई जेड पार्टनर हैं फॉर्म में, रेशियो दे नहीं रखा तो इक्वल मान लीजिएगा। जेड की डेथ 31 मई को हुई है, 31 मई 2020 को, यानी इसने करंट फाइनेंशियल में 2 महीने काम किया। उसका प्रॉफिट जो है वो निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के प्रॉफिट जो है वो 18,000, 19,000 और 17,000 हैं। एवरेज निकालेंगे तो आपका जो है 18,000 ही आ जाएगा एवरेज, 18,000, 19,000 भी और 17,000 का निकालेंगे तो, ठीक है बच्चों। और आपसे उसका प्रॉफिट निकालने को कहा गया है, या रखना उसने 2 महीने काम किया है, 18,000 इंटू उसका हिस्सा जो 1/3 हो जाएगा इंटू 2/12, तो 18,000 का 1/3 इंटू 2/12, तो 18,000 का 1/3 होता है 6,000, और 6,000 को 2/12 करो तो 1,000 रुपये आ जाएगा। ये डेथ हुई थी हमारे जेड की, तो जेड का, ये जेड का प्रॉफिट है, ध्यान रखना जेड का प्रॉफिट। अब इसमें इन्होंने 2 केस दे रखे हैं। केस 1 में कहा है कि पार्टनर्स का पुराना रेशियो सेम रहा, तो ये एंट्री हो जाएगी पीएनएल सस्पेंस के थ्रू, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, 1,000 1,000। सेकंड केस में इन्होंने आपको जो है एक्स और वाई का नया रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। रिमेनिंग पार्टनर यानी एक्स और वाई, वो 3:2 है, तो 3/5 2/5 -1/3 -1/3 कर लेंगे, 9 -5 4/15 6 -5 1/15, इनका गेनिंग रेशियो 4:1 आ जाएगा। अब इसी प्रॉफिट की एंट्री बिल्कुल उसकी तरह हो जाएगी जैसे गुडविल की एंट्री करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट यानी एक्स और वाई डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो 1,000 रुपये को 4:1 के रेशियो में हम डेबिट कर देंगे इन लोगों को। जेड को तो 1,000 ही मिलेगा, लेकिन पीएनएल सस्पेंस से नहीं मिलेगा, एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट से लेके दिया जाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब भी पार्टनर अपने किसी और रेशियो में गेन करते हैं तो ये एंट्री पीएनएल सस्पेंस की जगह उनके गेनिंग रेशियो में की जाती है बच्चों। तो ये 800 और 200 रुपये आ गया। इस तरह से बच्चा का क्वेश्चन नंबर 14 भी कम्प्लीट हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्वेश्चन 14 आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, 15th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 15 में कहा गया है एबीसी पार्टनर है इन द रेशियो 2:1, सी की डेथ हुई है 30 जून को, प्रॉफिट ऑन सेल फॉर द ईयर 1 लाख और 10 लाख रिस्पेक्टिवली थे पिछले साल के, यानी अगर देखा जाए तो पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो सेल का 10% था। इस साल सेल हुई है 1.5 लाख रुपए की और आपसे कहा गया है सी का प्रॉफिट निकालिए। सिर्फ प्रॉफिट निकालने का है, एंट्री तो यही बन जाएगी पीएनएल सस्पेंस टू सीज कैपिटल, बस सी का हिस्सा 1/5 का ध्यान रखिएगा। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इन प्रीवियस ईयर जो कि 2019-20 था, तो वो आ जाएगा 1 लाख/10 लाख इंटू 100 कर दीजिए, तो ये 10% आ गया। इस साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट इस साल की सेल है 1.5 लाख, उसका 10% निकाल लीजिए, 15,000 आ जाएगा, लेकिन ये पूरे फर्म का है। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट उसकी डेथ तक का है, क्योंकि इस साल की सेल भी उसकी डेथ तक की दे रखी है। तो सी का प्रॉफिट इस तरह से निकल आएगा, 15,000 पूरे फर्म का प्रॉफिट है, तो सी का हिस्सा 1/5 है, तो 3,000 आ जाएगा। रही बात एंट्री की, तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो 3,000 3,000 से एंट्री बन जाएगी। इस तरह से बच्चों हमारा ये अलग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आसान सा ही क्वेश्चन है, आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है।